हाँ जी 12th क्लास। आजकल बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं प्री बोर्ड एग्जाम का सॉल्यूशन, और आज हम डिस्कस करने लगे हैं सेक्शन सी में आपने फेस किए 3 मार्कर क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे, डेफिनेटली इंटरनल चॉइस यहाँ थी। यस, फर्स्ट क्वेश्चन वॉज फॉर ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स विच इंक्लूड 5 डिफेक्टिव, ए सैम्पल ऑफ 3 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम वन बाय वन विद रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। का क्वेश्चन था बेटा आपका राधा ये, ऑल्सो फाइंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स का। तो रैंडम वेरिएबल जो आप लेते वो आप लेते नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स को, ठीक है। अब आपके डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स को हमने लिया रैंडम वेरिएबल। अब ये रैंडम वेरिएबल वैल्यू क्या क्या लेगा वो डिपेंड करेगा कि कितने डिफेक्टिव बल्ब है और कितने हम निकाल रहे हैं। 5 डिफेक्टिव बल्ब है बेटा, 3 का सैंपल निकाल रहे हैं, मैक्सिमम 3 ही वैल्यू ले सकता है, एक्स ले सकता है वैल्यू मिनिमम 0, एक भी ना निकले डिफेक्टिव बल्ब, 1 निकले 2 निकले 3 निकले, राइट, ये वैल्यू ले सकता है। अब हमें इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, मतलब टेबल बनानी है। टेबल में हम ये वैल्यू ले लेते हैं एक्स, ये वैल्यू लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 0, 1, 2, 3। अब प्रोबेबिलिटी आप ध्यान रखें, चलिए ओके वन बाय वन निकालते हैं। इफेक्टिव बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी हो गई बेटे 5 बाय 20, 5 बल्ब है और 20 का लॉट है, दैट मीन्स 1 बाय 4। और नॉन डिफेक्टिव बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1 बाय 4, दैट मीन्स 3 बाय 4। आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव, ठीक है, 3 बाय 4। तो जब एक भी नहीं निकला डिफेक्टिव तो सारे के सारे नॉन डिफेक्टिव निकले, करेक्ट निकले, गुड क्वालिटी निकले, दैट मीन्स पहला की प्रोबेबिलिटी 3 बाय 4, दूसरे की भी प्रोबेबिलिटी 3 बाय 4, तीसरे की भी प्रोबेबिलिटी 3 बाय 4, दैट मीन्स 27 बाय 6, ओके। फिर अगर एक निकला लेकिन कौन सी पोजीशन वाला निकला ये हमें नहीं पता, ठीक है, वो पहली भी हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है, तीसरी भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी तो सेम चल रही है ना बेटा, डिफेक्टिव की यही है, नॉन डिफेक्टिव की यही है। तो एक तरीके से जो हमारे आने वाले हैं, पहली अगर डिफेक्टिव निकला, दूसरा निकला, तीसरा निकला, तो वो सेम प्रोबेबिलिटी आने वाली है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 ऐसे केसेस है किस पोजीशन पर निकल सकती है, ओके। चलिए मान लिया पहली ही डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 1 बाय 4, तो बाकी दोनों नॉन डिफेक्टेड है, दैट मीन्स 3 बाय 4, 3 बाय 4, मल्टीप्लाई करो तो अगेन 27 बाय, ठीक है। अब 2 डिफेक्टिव निकले, दैट मीन्स 1 नॉन डिफेक्टिव निकला, फिर बात वही आ गई, 1 नॉन डिफेक्टिव, वो पहला दूसरा तीसरा कोई भी हो सकता है, तो 3 केसेस बन गए अगेन, तो 3 सेम टाइप की प्रोबेबिलिटी होंगी। 2 डिफेक्टिव मतलब पहले में भी प्रोबेबिलिटी 1 बाय 4, आई होप ये आप समझ पा रहे हैं सेम क्यों चल रही है बेटा, विद रिप्लेसमेंट, ठीक है, और नॉन डिफेक्टिव होने की 3 बाय 4। अब ये प्रोडक्ट क्या हो गया, 9 बाय 60, तीनों ही डिफेक्टिव, ये एक ही केस होगा लेकिन प्रोबेबिलिटी सबकी 1 बाय 4, तो ये आपका आ जाएगा 1 बाय 60। यस, एक मेथड जरूर बता रखा है बेटे, आप इनको ऐड जरूर करके देखिए, ऐड करके बन आ रहा है या नहीं आ रहा, 1 प्लस 9 10, और ये 54 64 डिवाइडेड बाय 64, बिल्कुल 1 आ रहा है बेटा, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो एक बार चेक करिए कोई आपने गलत निकाली हो, ओके। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन आगे आपको मीन भी निकालने को कहा है, और मीन सिंपली क्या होता है, एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स निकालेंगे हम, दैट विल बी
समेशन ऑफ एक्स टू पी एक्स, बस ये मल्टीप्लाई करिए बेटा, पहला जीरो इंटू दिस जीरो हो गया, वन इंटू दिस 27/64, नेक्स्ट टू इंटू दिस दैट मीन्स 18/64, नेक्स्ट इज थ्री इंटू दिस दैट मीन्स 3/64, डेनोमिनेटर तो सबका 64 है, न्यूमेरेटर ऐड कर दीजिए, दिस विल बी 45, 48, ये 16 से कट हो जाता बेटा सीधा 3/4, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कपल, इसकी ऑप्शन में है बेटा ये क्वेश्चन, ए कपल हैज टू चिल्ड्रन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर मेल इफ इट इज नोन दैट एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई बेटा, आई होप लैंग्वेज पढ़ते ही समझ आते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर मेल, इट इज नोन मतलब गिवन, एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज, ओके टू चिल्ड्रन है तो यहां सैंपल स्पेस क्या हो सकता है बेटा, बॉय, दोनों बॉय हो सकते हैं, बॉय गर्ल हो सकता है, गर्ल बॉय हो सकता है, दोनों गर्ल हो सकता है, ये कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ना, हम ये काउंट कर रहे हैं, पहला जो लिख रहे हैं वो फर्स्ट चाइल्ड, जो सेकंड लिख रहे हैं वो सेकंड चाइल्ड। अब आपको जो कह रखा है उसमें अगर इवेंट हम देखें, इवेंट लें बोथ मेल और एफ इवेंट लें हम एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज, बोथ चिल्ड्रन आर मेल्स का, अब आप इसके फेवर में केसेस कहो बेटा तो प्रोबेबिलिटी ई ई के फेवर में बोथ मेल्स मतलब एक ही केस है, और एफ कहो तो एटलीस्ट वन मेल है तो आपके तीन केसेस हो गए, okay. अब जो आपसे पूछी है प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट इज, जो आप अगर अंडरस्टैंडिंग यूज करो जो बता रखी थी, तो प्रोबेबिलिटी ई गिवन एफ वन फेवरेबल आउटकम्स टोटल 1/3, और अगर आपने डेफिनेशन से भी निकाला प्रोबेबिलिटी ई गिवन एफ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ई इंटरसेक्शन एफ एक ही केस हुआ बेटे 1/4 प्रोबेबिलिटी हो गई, प्रोबेबिलिटी एफ हो गई 3, ये भी अल्टीमेट, आपने जिस भी मेथड को यूज किया हो अंडरस्टैंडिंग आपकी या प्रॉपर फॉर्मूला दोनों से। चलिए इसी का सेकंड पार्ट था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल्स, अब यहां ई ले रहे हैं बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल, और सेकंड है इट इज नोन दैट एल्डर चिल्ड्रन इज ए फी, एल्डर चिल्ड्रन इज ए, देखो दोनों ही फीमेल हो उसके फेवर में एक ही केस गर्ल गर्ल वाला, और एल्डर चिल्ड्रन फीमेल हो उसके फेवर में दो केस गर्ल बॉय एंड गर्ल गर्ल, ओके। तो प्रोबेबिलिटी ई गिवन एफ क्या हो गई, वन फेवरेबल केस, टू टोटल केस, 1/2। आई होप आपको ध्यान है, जब हमने ये गिवन दिस कहा तो हम इसको सैंपल स्पेस काउंट करें, या फिर बिल्कुल अगर आपने फॉर्मूले से निकाला तो बेटा तो भी वही आने वाला है, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ divided by probability f, this is 1/4, this is 2/4, ultimately 1/2, but बिल्कुल आपका डेटेड मार्क्स का क्वेश्चन था तो अपनी नॉलेज कर सकते थे ये दोनों से। चलिए यस, ये एक इक्वेशन सॉल्व करनी है बेटा, अब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस टू एक्स वाई डी वाई, आप क्लियर कर ऑब्जर्व करो बेटा तो सेपरेबल ये नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सम डिफरेंस की ऐसी टर्म्स
सेपरेबल नहीं बनाती, बट आप देखो डिग्री 2 चल रही है पूरे इक्वेशन की। ये बिल्कुल होमोजीनियस के लिए हम ट्राई कर सकते हैं। आपकी इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस टू एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो। डी वाई की टर्म यहीं रखूं, एक्स की टर्म राइट में ले, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नेगेटिव के साथ। अब मैं डी वाई बाई डी एक्स लिखूं, होमोजेनियस के लिए भी डी वाई बाई डी एक्स ही लाते हैं हम, और ये टर्म ओके नेगेटिव में एडजस्ट कर लूं, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, टू एक्स वाई को राइट में ला तो डिवाइड डिवाइड इसको मैं एडजस्ट करूं, देखिए वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू एक्स वाई, सेपरेट कर सकती हूँ, नीचे एक ही टर्म है, माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू एक्स, एक वाई कैंसल, ये हो गया हमारा वन बाय टू वाई बाय एक्स, और ये दूसरा हो गया हमारा एक्स कैंसल एक्स, अगेन वाई बाय एक्स फॉर्म में ले सकते हैं, इसको नीचे हम ला सकते हैं, वाई बाय एक्स की फॉर्म में आ गया पूरा एक्सप्रेशन, मतलब होमोजीनियस। यहाँ हम क्या करेंगे, होमोजीनियस के लिए वाई अपॉन एक्स को एज्यूम करेंगे वी, दैट मीन्स वाई इज डी एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, वी एक्स के लिए प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, वी एज सच एक्स का डेरिवेटिव वन प्लस एक्स एज सच वी का डेरिवेटिव डी डी एक्स को प्रैक्टिस में जाता है। दैट मीन्स इक्वेशन क्या हो जाएगी कि आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, वी प्लस एक्स डीवी बाय डी एक्स, डीवाई बाय डी एक्स की जगह ये आ गया, और राइट साइड में ये है, दिस विल बी वन बाय टू वी, ठीक है, वाई बाय एक्स माइनस वन बाय, ये एक्स आप नीचे ले आए तो टू वाई बाय एक्स दैट मीन्स टू, ओके। इसको आपको पता है सेपरेबल बनता है बेटे, टर्म एडजस्ट कर लीजिए बस, वी आप लेकर आए राइट साइड में, तो ये आपका हो गया माइनस वन बाय टू वी, हाफ वी माइनस वी माइनस वन बाय टू वी, और ये आपका माइनस बाय टू वी, ये आपका माइनस कॉमन ले लीजिए, वन बाय टू कॉमन ले प्लस वन डिवाइड राइट, वी प्लस वन बाय वी आएगा ना एलसीएम। अब इसको सेपरेट कर दे बेटा, वी के टर्म्स इधर ले आए हम और एक्स के टर्म इधर, टू वी बाय वी स्क्वायर प्लस वन लेफ्ट में ले आएंगे और माइनस को राइट में रहने देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा टू वी डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर प्लस वन विद रिस्पेक्ट टू वी माइनस डी एक्स, ठीक है, इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ हम। अब आपको दिख रहा है लेफ्ट में बेटा क्लियर कट, वी स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, हमारे पास रिजल्ट है एक एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय एफ एक्स का इंटीग्रल, हम सीधा लिख सकते हैं लॉग ऑफ मॉड एफ एक्स, ठीक है, इसको यही मेंशन कर देंगे हम, दिस विल बी लॉग ऑफ मॉड स्क्वायर प्लस वन राइट, राइट में आ गया माइनस वन का इंटीग्रल एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल, बस वी को वापस पुट कर दीजिए बेटा, लॉग वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन मॉडुलस, बस अब वैसे ब्रैकेट भी लगा सकते हैं आप, स्क्वायर है क्लियर कट हमें पता है पॉजिटिव, दिस इज नथिंग बट लॉग वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर आएगा उसको हम रिजल्ट यूज कर लेते हैं, माइनस लॉग एक्स स्क्वायर इसमें फिर लॉग का रिजल्ट लगाया टू लॉग एक्स, आप चाहे तो बिल्कुल यहां पर भी छोड़ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ राइट में लॉग नहीं था आपका, कैंसिल वगैरह कुछ था,
कैंसल वगैरह होता है तो बिल्कुल इतना खोलिए, यहाँ लॉग एक्स है तो बिल्कुल ले जाइए, टर्म एड यहाँ पर भी छोड़ सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस गिवन दैट वाई इज इक्वल टू जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू वन। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखो बेटा, dy बाई डी एक्स, एक्स की ये टर्म्स, यहाँ वाई के साथ एक्स की टर्म, ये राइट में एक्स की टर्म। आई होप क्लियर कट ऑब्जर्वेशन हो जाती है आपकी कि ये इस टाइप की इक्वेशन है। प्रॉपर अभी नहीं है, dy बाई डी एक्स का कोफिशियंट ये है, बट बिल्कुल हम इसे डिवाइड करके बना सकते लीनियर फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो हम जो गिवन इक्वेशन है पहले उसे लिख लेते हैं, 1 बाय एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एक्स वाई इजक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से हम डिवाइड करें थ्रू आउट, तो पहली टर्म हो गई डी वाई बाई डी एक्स, दूसरी हो गई 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तीसरी हो गई 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, सेम से ही आप डिवाइड करें। यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकालेंगे पहले, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर इंटीग्रल ऑफ y कोफिशिएंट का है इंटीग्रल 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल। अभी हमने फॉर्मूला यूज किया बेटा, नीचे आपका सेम एक्सप्रेशन, ऊपर उसका डेरिवेटिव, ये आपका इंटीग्रल सीधा आता है e log ऑफ डेनोमिनेटर जो यहाँ पर है 1 प्लस एक्स। आप इसे बिल्कुल सिंपल ब्रैकेट रख सकते हो, पॉजिटिव है, और e पावर log ऑफ एक्सप्रेशन इज एक्सप्रेशन इट्स 1 प्लस एक्स। ठीक है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन भी आपने याद रखा होता है सीधा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q, q इज दिस कंप्लीट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल। 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक कैंसिल हो गया बेटा आपका, जो रिमेनिंग रहा वो है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और उसका इंटीग्रल आपको सीधा पता होता है, दिस इज नथिंग बट टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये जनरल सॉल्यूशन आ गया, बट आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहा है बेटा, y इज जीरो व्हेन x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, y इज जीरो व्हेन x इज 1। हमारा क्या था, y जो इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जीरो ही बनने वाली है टर्म, कर देते हैं इक्वल टू टेन इनवर्स x, तो टेन इनवर्स 1 प्लस c, ये जीरो बन गई बेटा टर्म, टेन इनवर्स 1 इज पाई बाय 4, उसको आप लेफ्ट में ले आए तो माइनस 5 बाय 4, दैट मीन्स सी आपका आ गया माइनस, दैट मीन्स सॉल्यूशन जो पूछा है वो क्या हो गया आपका, y इन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 इनवर्स x माइनस 5 बाय 4। ओके, यस, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसमें आपको करेक्शन कराया था बेटा, यहाँ पर आया था। ठीक है, मैक्सिमम इज जेड इज इक्वल टू 10x प्लस 15 बाय सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 50, x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 20, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y। अब 1 बाय 1 इनइक्वालिटी कंसीडर करते हो, इनइक्वालिटी के लिए सॉरी इक्वालिटी कंसीडर करते हो, टेबल बनाते हो, वैल्यूज लेते हो कुछ, x आपने 0 रखा तो y आएगा 50 बाय 2 दैट मीन्स 5, y आपने 0 रखा तो x आएगा 50 बाय 3 दैट मीन्स अप्रोक्स 17 पॉइंट समथिंग। ठीक है, आप एग्जैक्ट भी निकालना चाहते हो तो एग्जैक्ट ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, y आप ले लीजिए ए नॉट 0, x आप 30 ले लेते हो, x 30 ले लिया आपने तो y आपका आ जाएगा 5, राइट। अब जब ग्राफ बनाते हो तो साथ के साथ इस शेडिंग ध्यान रखेंगे बेटा, 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 50, आपकी 3x प्लस 2y ये वाली, ठीक है, जो 25 ये
ना फर्स्ट 3x+2y इसको। अब इसमें ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, ओरिजिन पुट करेंगे तो ट्रू है, सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स ओरिजिन की तरफ शेडिंग है। आप वन बाय वन ड्रॉ करें बेटे, क्योंकि ओवरऑल शेडिंग फिजिबल रीजन में कंफ्यूज होते हैं, नहीं एरो बनाइए। ठीक है, दूसरा कंसीडर किया हमने इक्वालिटी, x+4y=20, और इसमें आपने पुट किया x 0 तो y आ जाएगा 5, और पुट किया y 0 तो x आ जाएगा। दूसरी वाली इक्वेशन यही है, और ये भी ओरिजिन से पास नहीं कर रही, तो ओरिजिन से ही चेक कर सकते हैं आप। 0 0 पुट किया इसमें, दिस इज फॉल्स, दैट मीन्स यहाँ ओरिजिन की तरफ शेडिंग नहीं है, इधर की तरफ। ठीक है, देखना गौर से था बेटा, एक लेस देन इनक्वालिटी है, एक ग्रेटर, जल्दी में नहीं कहीं भी। तो आपके जो ये सेकंड है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन 0, ये तो आपको यही देता है कि जो सॉल्यूशन है आपका वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, इसकी शेडिंग डाउनवर्ड्स, इसकी शेडिंग अपवर्ड, और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आप मिला दें तो आपका फिजिबल रीजन आ गया। ये फिजिबल रीजन आ गया, ये आपका ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट, ये सी। तो ट्राइंगल ए बी सी, दिस इज द फिजिबल रीजन। ठीक है, इसके वर्टिसेस, ए 0.5, बी आपसे ऐसा पढ़ा जा रहा है, ओके बेटा, बी 16.1 है। यहाँ कैसेस में बच्चों ने गलती की बेटा, जब नहीं पढ़ा जाता, ये दोनों की इंटरसेक्शन है, आप इनको सॉल्व कर लीजिए ना इक्वेशन को, 3x+2y=51, x+4y=20 दूसरी। देखिए इजिली इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई किया 6 - x 5x, ये तो कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया 100 - 20 80, एक्स आपके आ गया 16 बेटा, एक्स 16। इस इक्वेशन से वाई कैलकुलेट कर लीजिए, 4y=20 - 16, दैट मीन्स 4y आपका आ गया 1। तो जब भी आपको ग्राफ में इजिली ऑब्जर्वेबल नहीं है तो बेटा कैलकुलेट कर लीजिए, गलत मत लिखिए। ठीक है, सी इज 0.20 पॉइंट। ठीक है, बस इस पे हमें वैल्यू निकालनी है जेड की, जेड एट ए, जेड एट बी, जेड एट ए था हमारा 0.5 एंड जेड है 10x+15y। ये हमारा 0.5 0.5 पुट किया हमने, 2+75, ये हमारा 16.1 160+15, दैट मीन 175, एंड सी हमारा 0.25+0 एक्स 15 × 25 विच इज 370। कम वैल्यू हो गई बेटा 375, बट हमसे इसको सॉल्व करने को कहा है तो हमें फाइनल आंसर लिखना है। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 375 एट द पॉइंट 0.5। प्रॉपर आंसर में करिए बेटा जब सॉल्व करने को कहा है आपको। Yes, find the intervals in which the function given by this is increasing and decreasing. Yes, function increasing, decreasing करने के लिए हम पहले critical points निकालते हैं. That means first derivative 0. First derivative इसका होगा बेटे 3 cos 3x. Chain rule use किया. That means cos 3x is 0. Cos x 0 कब होता है बेटा? जब x odd मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होता है। अब आप यहां ध्यान रखेंगे x नहीं है, 3x है, तो हमें जो वैल्यूज चाहिए x की वो 0 से पाई बाय 2 चाहिए। ठीक है, तो 3 पाई बाय 2 तक हम ले जा सकते हैं जब x इसमें बिलोंग करता है, तो 3x 3 × 0 × 3 × पाई बाय 2 इसमें बिलोंग करेगा ना,
तो हम ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू करेंगे, तो एक पाई बाय टू, दूसरा 3π/2 भी लेंगे। हमारी वैल्यू एक्स नहीं है, सिंपली 3x है, और जो 3x 0 से 3π/2 तक जा सकता है, तो इनके लिए एक्स क्या हो गया बेटे, 3 से डिवाइड करेंगे सिर्फ पाई बाय 6, और ये हो जाएगा पाई बाय 2। ये दोनों वैल्यू है ना इसमें, ओके। तो ये कॉमन मिस्टेक हो गई बच्चों से, 3π/2 स्किप कर दिया बेटा आपने। अब ये जो जब आपने वैल्यू ले ली, तो आपके जो इंटरवल्स कंसीडर हुए ना बेटा, जिसमें आपने चेक करना है, वो इंटरवल हो गए 0 से π/6, क्योंकि आपसे इतने में ही पूछा था, एंड π/6 to π/2, ओके। 0 से π/6, अभी इसमें नया कुछ नहीं करना था। देखिए बेटा, 0 से π/6 बात हो रही हो x की, लेकिन 3x क्या है, तो लिख देती हूँ एक बार, 0 से π/6 और ये पाई बाय टू। ये हम x की बात कर रहे हैं, जो 3x क्या है वो क्या हो गया, 0 से π/2, देन पाई बाय टू से 3π/2, 0 से π/2 cos 3x, फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन देखते हो ना, वो पॉजिटिव रहता है बेटा, और पाई बाय टू से 3π/2 दैट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट कॉस एक्स नेगेटिव रहता है। तो क्लियर कट, इस इंटरवल में पॉजिटिव था, इस इंटरवल में नेगेटिव था, तो यही मेंशन करके आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिख देना था, ठीक है। तो लिख देते हैं इसी को बेटा, 4x belonging to 0 to π/6, एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, ठीक है। देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन 0 to π/6, ओके। और एक्स बिलोंगिंग टू दिस π/6 to π/2, एफ डैश एक्स इज नेगेटिव, cos 3x हुआ ना, वो सेकेंड और थर्ड में नेगेटिव होता है, देयरफॉर एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल π/6 to π/2। दिस वॉज द प्रॉपर आंसर, यस। इफ एक्स इज दिस, वाई इज दिस, देन d²y/dx² पैरामेट्रिक फॉर्म में, सेकेंड डेरिवेटिव बेटा। चलिए, x है हमारा a sin²θ, आपने dx/dθ निकालना है चेन रूल, लेकिन a कांस्टेंट है, वो एज सच sin²θ 2 sin θ, sin θ का डेरिवेटिव cos θ, 2a sin θ cos θ, दैट मीन्स a अगर आप बाहर रखते हैं, 2 sin θ cos θ sin 2θ, ठीक है। y दे रखा है आपको a cos²θ, यहां पर भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही करेंगे चेन रूल, cos²θ 2 cos, a कांस्टेंट है, cos²θ 2 cos θ, cos θ का डेरिवेटिव -sin θ, तो -a आप एक बार बाहर रख दें, तो ये हो गया 2 cos θ sin θ, दैट मीन्स अगेन sin, ठीक है। पैरामेट्रिक फॉर्म में dy/dx निकालेंगे आप, dy/dθ को डिवाइड किया dx/dθ, दैट मीन्स -a sin²θ डिवाइड किया a sin²θ, तो ये क्या आ गया बेटे, सेम नंबर डिवाइड हो रहा है, एक दूसरे का नेगेटिव है माइनस, तो यहां पर कांस्टेंट आ गया जब आपका फर्स्ट फंक्शन, तो d²y/dx² एक तरीके से आपने डेरिवेटिव निकालना है इस कांस्टेंट का, दैट इज 0 डायरेक्टली, कुछ नहीं करना था। बच्चे कंफ्यूज हो गए कि इतना इजी आ जाए तो भी कैसे हो जाता है ना, इजी आ गया तो गड़बड़ हो गई। चलिए, ये कांस्टेंट आ गया बेटा, सीधा इसका डेरिवेटिव 0, और यस, ये बिल्कुल ध्यान रखिए, कुछ दो चार बच्चों ने अभी भी ये कर लिया बेटे,
आपने इसको डी स्क्वेयर वाई बाय डी थीटा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय डी स्क्वेयर एक्स बाय डी थीटा स्क्वेयर कर दिया, जो कि नहीं है, किसी हाल में भी नहीं है, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल ध्यान रख ली। ठीक है, अभी भी एक दो बच्चे थे जिन्होंने कर लिया। चलिए, इसके ऑप्शन में ये था बेटा, आपको वाई एक्सप्रेशन दे रखा है इसमें, और आपको सेकंड डेरिवेटिव में रिलेशन। इसकी एक छोटी सी टिप मैंने आपको दी थी, जिससे बहुत लंबी लंबा दो दो पेज का क्वेश्चन आपका आधे पेज में जाता है, वो बहुत से बच्चों ने फॉलो नहीं की, अच्छे अच्छों ने भी नहीं की, वो ध्यान रखिए बेटा। चलिए बताती हूँ, आपका सबसे पहले तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे, 3 cos log x प्लस 4 sin log x। ठीक है, अब इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, dy/dx। चेन रूल यूज होगा, cos ऑफ log x का डेरिवेटिव माइनस साइन log x, और log x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, चेन रूल यूज कर रहे हैं, 1/x। ऐसे ही यहाँ साइन log x का डेरिवेटिव cos log x, चेन रूल यूज हुआ, log x का डेरिवेटिव 1/। ठीक है, जो मेन स्टेप था, जो कैलकुलेशन कम करता था, वो यहाँ 1/x कॉमन माइनस 3 sin log x एस सच 4 cos log x ब्रैकेट क्लोज। ये जो 1/x था, जो डेनोमिनेटर में टर्म आ रही x, इसको यही ट्विस्ट कर देना था, लेफ्ट में ले जाइए, मल्टीप्लाई कर दी। आपके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव रिलेशन जब भी प्रूव करने होते हैं, आपको हिंट दिया है, फर्स्ट डेरिवेटिव ही अगर मॉडिफाई हो जाता है तो उसे मॉडिफाई करिए, मॉडिफाई इन दिस फॉर्म, और आपको कैलकुलेट करते करते ही सेकंड डेरिवेटिव में रिलेशन आ जाएगा। मैक्सिमम बच्चों ने क्या किया, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल, फिर प्रोडक्ट, जिन्होंने भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था डेफिनेटली ऑप्शन में था, प्रोडक्ट रूल यहाँ पे भी यूज किया, फिर इसमें पुट किया, इतना लंबा क्वेश्चन कर दिया बेटा। ये हिंट ध्यान रखिए बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट हिंट, ये स्पेशल आपका स्टेप है जो आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल कर देता है। ठीक है, अब इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करना है हमने दोनों साइड, और देखिए लेफ्ट में होगा प्रोडक्ट रूल और राइट में आपका हो जाएगा फिर से चेन रूल यूज। मैं नेक्स्ट पेज में ले जाती हूँ, xdy/dx में प्रोडक्ट रूल, x का डेरिवेटिव 1, dy/dx, चलिए हम इसका भी डेरिवेटिव ले सकते थे पहले, क्योंकि dy/dx² ही लाना पड़ता है, अब लिख देती हूँ, कोई बात नहीं, x as such dy/dx का अगेन डेरिवेटिव d²y/dx। नेक्स्ट था माइनस 3 sin log x, माइनस 3 sin log x का डेरिवेटिव cos log x, log x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, चेन रूल, देन है 4 cos log x, उसका डेरिवेटिव करेंगे तो -4 sin of log x, log x का डेरिवेटिव 1/। अगेन 1/x कॉमन ले लेंगे, राइट में मल्टीप्लाई कर देंगे, और आपके रिलेशन आ गया सी। अब मैंने इसको आगे पीछे कर दिया, क्योंकि प्रूव करने में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म पहले 1/x कॉमन लिया, माइनस भी मैंने कॉमन ले लिया, ये क्या हो गया 3 cos log x प्लस 4 sin log x, और ये क्या है बेटा, ये है हमारा y, ना ये y है हमारा, हमने ये x को फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इधर, आप सीधा भी कर सकते हो, मैं एक बार दिखा रही हूँ पूरा आपको, आप सीधा मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, ये हो गया माइनस ये कंप्लीट वाई, x² सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस x dy/dx, और ये माइनस वाई को भी लेफ्ट में ले आए प्लस वाई क्यों सी ये। ओके, तो प्लीज ये स्टेप गौर से समझिए बेटा, और फॉलो भी करिए, बहुत इजीली हो जाता है सेकंड डेरिवेटिव का क्वेश्चन। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स,
टू पाई बाय फोर ई पावर एक्स, ये देख के सबको ये तो याद आ गया कि रिजल्ट यूज होना है हमारा ये वाला। पर बेटा ये कई बार सीधा दिखता है, कई बार आपको एडजस्ट करनी पड़ती है टर्म्स, वो एडजस्ट करने में आपको कई बच्चों को दिक्कत हुई। देखिए यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए आपके पास एक बहुत बड़ा हिंट था, 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x। अगर आप रिजल्ट यूज करेंगे, 1 प्लस cos 2x होता है 2 cos² x। ठीक है, जब हमने इसको एंगल में चेंज कर दिया, cos 2x से हम x ले आए, तो हम ये हमारा 2 cos² x हो गया। तो हम sin 2x को भी चेंज कर दें बेटा, 2 sin x cos x, दोनों ही एंगल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम ले आए, बस बस सेपरेट कर दीजिए और देखिए। फिर पहली टर्म 2 है न्यूमरेटर में, डेनोमिनेटर में तो सिंगल टर्म आ गई ना, प्लस दूसरी टर्म 2 sin x cos x। टू से टू कैंसल, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसल। डेफिनेटली बार बार याद दिलाती हूँ बेटे, हम एज्यूम यही कर रहे हैं कॉस एक्स नॉन जीरो, अदरवाइज कैंसल नहीं होता। अब हमें पता है 1 बाय cos x इज sec x, तो 1 बाय cos² x इज sec² x, और sin x बाय cos x इज tan x। और हमें पता है बेटा टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, sec² x। तो ये बिल्कुल क्या हो गया हमारा, पहले हमें आई लिखना चाहूंगी, आपका क्वेश्चन का फ्लो कभी नहीं टूटना चाहिए बेटा। ये हो गया ex tan x, tan x का डेरिवेटिव विच इज sec². अब ये हम रिजल्ट यूज करते हैं, ex फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज नथिंग बट ex इनटू फंक्शन, डेफिनेटली इंटीग्रल है, तो लिमिट जरूर लगाइए। बस अब लिमिट पुट करेंगे, ई पावर पाई बाय फोर टेंजेंट पाई बाय फोर माइनस ई पावर जीरो टू टेंजेंट जीरो, टेंजेंट पाई बाय फोर इज 1 एंड टेंजेंट जीरो इज, ई पावर जीरो इज 1 बट टेंजेंट जीरो इज 0, तो ये सिर्फ ई पावर पाई बाय फोर रह गया, ये तो 0 1। ओके आई होप समझ आए हैं बेटा ये क्वेश्चंस और आपको हेल्पफुल रहेंगे अपना इम्प्रूवमेंट करने में। चलिए दैट्स ऑल फॉर दैट।